हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम इंडिया वार। जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण व अन्य योजना के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी दोनों कार्ड धारकों को फ्री में राशन अभी तक मिल रहा था, लेकिन साथियों जनवरी माह में क्या हो गया, इसकी सप्लाई रोक दी गई है। क्या कारण है तो हमको सीधे लेकर चलते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है इस वक्त राशन। तो साथियों जनवरी माह में राशन की सप्लाई 15 जनवरी तक पूरी की जानी थी, लेकिन एक गलती की वजह से करीब 3.2 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। राशन कार्ड धारकों को जिस पैकेट में राशन वितरित किया जा रहा था उस पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी की फोटो लगी। आप लोग देखते होंगे कि जो आपको नमक का पैकेट मिलता है, तेल का पैकेट मिलता है, चना का पैकेट मिलता है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और योगी की फोटो लगी है। अब क्या है साथियों कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गया है, तो आचार संहिता की वजह से इन दोनों की फोटो पैकेट से हटानी है। लेकिन साथियों क्या किया गया है कि फोटो पैकेट से हटाने के बजाय ही पूरी सप्लाई रोक दी गई है, जिससे खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा लोगों तक। तो साथियों इससे क्या हो गया, लोगों में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी राशन पर निर्भर करते हैं। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते सरकार ने फ्री राशन उपलब्ध कराने का फैसला लिया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण व अन्य योजना तथा नियमित राशन वितरण के तहत महीने में 2 बार राशन वितरण किया जा रहा था। आपको जो फ्री राशन मिल रहा है उसकी समय सीमा बढ़ाकर मार्च तक कर दी गई, यानी आपको मार्च 2022 तक फ्री में राशन मिलेगा। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3.2 करोड़ कार्ड धारकों को राशन फ्री में मिल रहा है। साथियों जानकारी भरा पूर्ण वीडियो रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। इसी प्रकार काम की खबरें जानने के लिए अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करें। अपना और अपना का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।